मध्य प्रदेश शासन लोक निर्माण राज्य मंत्री एवं दतिया प्रभारी मंत्री सुरेश धाका दतिया एक दिन के प्रवास पर रहे। दतिया प्रभारी मंत्री एवं गृह मंत्री के पुत्र शुक्राण मिश्रा आयोजित वृंदावन धाम में रोजगार दिवस एवं स्वामी विवेकानंद जयंती कार्यक्रम में पहुंचे। प्रभारी मंत्री एवं युवा नेता शुक्राण मिश्रा ने दीप प्रज्वलित एवं मां सरस्वती को माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान दतिया कलेक्टर संजय कुमार, जिला पंचायत सीईओ कमलेश भार्गव एवं सभी बैंक के मैनेजर एवं भांडेर विधायक पार्टी कार्यकर्ता कार्यक्रम में रहे उपस्थित। मुख्यमंत्री के द्वारा लाइव प्रसारण एवं मुख्यमंत्री का संबोधन प्रभारी मंत्री के साथ सभी ने सुना। मुख्यमंत्री के द्वारा सभी हितग्राहियों से रोजगार संबंधी चर्चा की गई। इस दौरान प्रभारी मंत्री एवं युवा नेता शुक्राण मिश्रा के द्वारा 2061 हितग्राहियों को 16 करोड़ 14 लाख से अधिक हित लाभ प्रदायक चेक के द्वारा राशि वितरित की गई। लोक निर्माण राज्य मंत्री सुरेश धाका एवं युवा नेता शुक्राण मिश्रा ने मंच से क्या कुछ कहा, देखिए दतिया से रजनी लिटोरिया की खास खबर। कोरोना के प्रति सबको सचेत रहना चाहिए। कोरोना को कैसे दतिया से लगा, क्योंकि दतिया है कोरोना के रोग मरीज हमको बनने को मिलना है। इससे पूरी सरकार चिंतित है, हमारे लोकप्रिय नेता दादा भी चिंतित है, हमारी विधायक चिंतित है, हम सब चिंतित है। हमको नियमों का पालन करना होगा, हमको मास्क लगा के रहना होगा, हमको दूरी बना के रहना होगा। और कलेक्टर महोदय से मैं आग्रह करना चाहता हूँ और निवेदन भी करता हूँ, जब सबको भीड़ में बेहतर रखना होगा। भारत का व्यक्ति यदि कोई दतिया में आता तो बजट चार्ज बनाओ हमारे दतिया में प्रवेश न करे, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे नया होगा, झांसी हमसे लगी हुई है और वहां के लोग कहने का मार्ग दर्शकों को आते हैं। उनको हमेशा हमें नजर रखना है तो बजट चेकअप करे, कोई दतिया में प्रवेश न करे। हमको कोरोना को भगाना, दतिया को बचाना, युवा साथियों को मदद करना, हम सब मिलकर इस देश को आगे बढ़ाना। युवा के कंधों पर बहुत वजन है, युवाओं के सामने बहुत आशा है, बहुत प्रेरणा है। तो युवा हमारा भविष्य है, इस प्रदेश का भविष्य है और इस देश का यदि भविष्य है तो युवा साथी हमारे भविष्य है। तो युवाओं से हमसे बहुत कुछ हमको करना है, देश के लिए युवाओं को बहुत कुछ करना है। हम सब मिलकर आगे बढ़े, हमारी सरकार का उद्देश्य है। तो युवा साथियों आप चिंता न करें, पूरी सरकार आपके साथ थी है और आगे भी रहेगी। तो भाजपा की सरकार है और चाहते हैं कि भाजपा की सरकार में कोई भी व्यक्ति बगैर रोजगार के ना रहे, सबको हम रोजगार देंगे। मैं थोड़ा गलत आया उसके लिए आप सबसे मैं क्षमा चाहता हूँ। सीएम साहब का कार्यक्रम चालू है, इसलिए मैं अपने बातों को माफ करता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद जय भारत। तो मेरी मूल प्रार्थना ये कि जैसा स्वामी जी के पास एक सज्जन पहुंचे भीड़ को लेकर लंदन, तो उन्होंने स्वामी जी ने कहा हेलो और अपना हाथ आगे बढ़ाया। स्वामी जी ने दोनों हाथ जोड़ के उसको नमस्कार किया, तो उनमें से एक को लगा कि हो सकता है स्वामी जी को अंग्रेजी नहीं आती, उन्हें हिंदी में बात करनी चाहिए। तो व्यक्ति ने स्वामी जी से बोला कि स्वामी जी कैसे हैं आप? तो स्वामी ने बोला आई एम फाइन थैंक यू। अब अचरज का माहौल था, उन्होंने एक मेहनत करके पूछा स्वामी जी जब हमने आपसे अंग्रेजी में बात की तब आपने हमको हिंदी में जवाब दिया, और जब हम आपकी बात तो ऐसा हिंदी में बोलने लगे तब आप हमें अंग्रेजी में जवाब दे, ऐसा क्यों? तो स्वामी जी ने उसको जवाब दिया, जब पहली बार आप मेरे से मिले थे तब आपने अपनी मातृभाषा और अपनी मां का सम्मान किया और अपनी भाषा में मुझसे बात की, तो मैंने भी अपनी मां का सम्मान करके अपनी मातृभाषा में तुमसे बात की। लेकिन जब तुमने अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।